नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। हमने बहुत रात का नज़ारा दिखाया है, इस सुबह सुबह का जवाहर चौक बड़ा बाज़ार झांसी का नज़ारा है। एक ज़माना था कि सुबह सुबह दुकानें खुल जाती थी 6 बजे लगभग, बहुत साल पहले की बता रहा हूँ। गर्मी बहुत है, 45-46 टेम्परेचर है, आग के गोले बरस रहे हैं झांसी में, हर जगह लगभग गर्मी का प्रकोप है। अभी तो मौसम की बात है, परमात्मा सर्दी बरसात गर्मी हर सिस्टम को बनाए रखता है, जिससे कि धरती संचालन होती रहती है, फसल और लोगों को हर मौसम में जीने की आदत रहती है। अभी सुनसान है, सुबह का नज़ारा है, दुकानें बंद हैं, थोड़ी ठंडक है सुबह सुबह। ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना काल में सन्नाटा हुआ करता था, उसी प्रकार का नज़ारा है। जवाहर चौक पर नाश्ते के सुबह सुबह काफ़ी ठेले दिख जाएंगे, समोसा भी बनाए जा रहे हैं, ताजे ताजे नाश्ता आपको दिखाई दे रहा होगा। सामने बेड़ई है, समोसा है, कचौड़ी है, रायता है, और जब पूरा नाश्ता हो तो फिर रात में लोग बाग इसलिए कम खाते हैं कि सुबह सुबह हमें नाश्ता खाना है, बस सुबह सुबह उठे और नाश्ता पे चल दिए, जिससे कि पेट भी फ्री और घर वाले घरवाला भी फ्री। अब निश्चिंत हो गए, अब घर में नहीं, अभी हलचल करनी है कि हमें कुछ खाना है। कई लोग तो मजाक में कहते रहते हैं कि अरे यार सुबह सुबह कुछ भी नहीं खिलाते हो, लेकिन वो पहले से खाकर आते हैं नाश्ते में बाज़ार में। अब नए नए चलन चल गए हैं, आप देख रहे होंगे ब्रेड है, मक्खन है, क्या दे रहे हैं? ब्रेड मक्खन मक्खन की सब्जी। हाँ, कैसी दे रहे? 10 रुपए क्या? और दूध 20 को है? दूध काय को है, भैंस को गाय को? भैंस को है। ये जगह लोगों ने सुरक्षित देख ली है, अब अधिकतर नाश्ता के ठेला दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पर सुबह सुबह नाश्ता कर फ्री हो जाते हैं, फिर 2-3 बजे के लगभग 1:30 बजे के लगभग खाना मिलता है। मिलता क्या, खाते भी हैं। अभी तो भीड़ बढ़ती जाएगी जैसे जैसे 8-10 बजेंगे, और इनके ठेला पे टूटना लोगों का जारी रहेगा, पर मिला ना मिला। आप सुंदर सुंदर सा नज़ारा देखिए, बिल्कुल कोरोना काल जैसा नज़ारा दिखाई दे रहा है। सामने जो आप देख रहे हैं रास्ते को, ये बड़ा बाज़ार मालियन के चौराहे की तरफ जाने वाला मार्ग है। अभी कहीं कहीं तो आलू घुट रहे और कहीं कहीं तो पेट में भी चले गए। अब जिनके आलू अब घुट रहे, अब कब बने का हो गए, लेकिन भज्जा जी बड़ा बाज़ार है और झांसी है, दिन भर आदमी खावे के ला रहते, खावो सोवो और दुकानदारी करने के अलावा का है, इसलिए आदमी मज़ा लेता रहता है, खाता पीता रहता है। तभी तो झांसी के लोगों के पेट बड़े बड़े दिख रहे हैं, सेठ जी के कुत्ते को पेट बड़ा दिख रहा हो, खाते पीते घर के हैं। ये पुरानी पसरट वाली गली कहा जाता है, धीरे धीरे दुकान खुलती जा रही हैं, देख रहे होगे आप। जब भीषण गर्मी हो, आग के गोले बरस रहे हो, तो सब ये पुरानी पसरट वाली गली है जहाँ पर जो ज़रूरत की सामान होता है घर का, एक नमक से लेके और जो भी जीवन में आपके सामान की ज़रूरत पड़ती है, राशन की जो दुकान होती है, कपड़ा छोड़कर बाकी सब कुछ मिलेगा। और ये पुरानी दुकान है पसरट की,
इनकी बहुत पुरानी दवाई भी मिल जाती है, इनके यहाँ जड़ी बूटियाँ भी मिल जाती हैं। अभी सुबह सुबह है, मुस्कुरा रहे हैं सेठ जी, पसीना भी बहा रहे हैं, मतलब इन्हें चैन ही नहीं पड़ा। शाम के जाते हैं, सुबह बस भगा दिया जाता है या चले आते हैं और सोचते हैं नाश्ता वहीं करेंगे। जैसा कि अभी चौराहे पर नाश्ता गरम गरम बन रहा है, जिस सुबह सुबह दुकान इसलिए खोल लेते हैं 6 बजे। इन्होंने 20 साल पुरानी प्रथा को कायम कर रखा है, जैसे कि बहुत पहले 6 बजे बाज़ार खुल जाता था, हर आदमी आशा से बैठा है। आप जो देख रहे हो वो गेट लगा है, ये रघुनाथ जी को मंदिर है, अब गेट बंद है। बहुत पुरानी पसरठ की गली है, जमाना चला आ रहा है जब हम आप पैदा ही नहीं हुए होंगे, मतलब हम नहीं हैं हुए होंगे, आप तो हुए होंगे क्योंकि सेठ जी सामने है। ये रास्ता बड़ी खूबसूरत जगह जाता है, यहीं से आप जो सिद्धपीठ मंदिर है महाकाली का, लक्ष्मी दरवाजे बाहर, वहाँ के लिए पहुँच जाता है। चाय गुटका सामने है, नाश्ता करो, चाय पियो, गुटका खाओ, सिगरेट पियो, लेकिन ये सब चीज़ें, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और मार्केट संवाद अपील करता है लोगों से कि गर्मी भीषण है, नींबू शिकंजी पीते रहें, तौलिया वलिया बांध कर निकलें। तो हम धीरे धीरे मालिंगन के चौराहे की ओर बढ़ रहे हैं। अगर दुकानदार इधर से अतिक्रमण ना करें तो कितनी चौड़ी रोड है, सब कुछ हो सकता है। जैसा कि हमने और जगह देखा है, राजनांदगांव हुआ, जगाधरी वर्कशॉप हुआ, बहुत सी सिटी हैं जो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, वहाँ पर दुकानदार अतिक्रमण नहीं करते हैं, सब अपने दुकान में लगा कर रहते हैं। जब कोई आगे नहीं बढ़ाएगा तो वो भी दूसरा भी नहीं बढ़ाएगा। यही है मालिंगन का चौराहा, जैसे कि आप देख रहे हैं फूल माला, इसी को बड़ा बाज़ार कहते हैं। झांसी का बहुत पुराना बाज़ार है बड़ा बाज़ार, पानी की टंकी का इलाका है। इतनी बड़ी माला या तो कोई नेता के लिए बन रही है या फिर दूल्हा दुल्हन के लिए बन रही है। गर्मी में अगर आपको ज़्यादा गर्मी लग जाए तो शिकंजी पियो, कितना चौड़ा बाज़ार है, अगर अतिक्रमण ना हो तो काफ़ी जगह है बाज़ार में और काफ़ी सुंदर भी दिखेगा। ये व्यवस्था हम आप करके तो देखें, सिस्टम को चलाने वाले हम, बिगाड़ने वाले हम तो हम हैं, ना तुम कम हो ना हम कम हैं। दशहरी का सीज़न है तो दशहरी तो मिल ही जाएगी, देखने को भी मिलेगी और खाने को भी मिलेगी। कावज्जा कावा दे रहे, अरे वाह, कहाँ थे अभी तक तुम? दुबई में बेच रहे थे। गर्मी के समय फल काफ़ी दिख जाते हैं बाज़ार में, सेब है, पपीता है, लाल लाल तरबूज है, बादामी आम है। यही पानी की टंकी का बड़ा बाज़ार का इलाका बोलते हैं। हर जगह फल ही फल दिखाई दे रहा है। सामने गांधी रोड है जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये जावाद सिपाही आपके घर बनाने के लिए खड़े हैं, ये मजदूर हैं। और बहुत पुरानी ये मजदूर का अड्डा है खड़े होने का। हम आप जब मकान बनवाते हैं तो राजमिस्त्री और लेबर यहीं से ले जाते हैं, और मजदूरों के नाम से झांसी में मजदूर वाली गली भी सामने आप देख रहे होंगे। आपने बहुत से महापुरुष देखे होंगे उनके नाम से चौराहा, सड़क, मार्ग, लेकिन एक फिल्म में डायलॉग भी था, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर तकदीर बदल देता है।
तकदीर भी बदलती है और तस्वीर भी बदलती है। इन्हीं मजदूरों के नाम से मजदूर वाली गली का नाम रखा गया है। सामने मजदूर वाली गली है। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।